दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत को पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब मिला था? भारत ने लगातार ओलंपिक खेलों में कितनी बार गोल्ड मेडल जीते? किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल के बजाय पेंटिंग प्रदान की गई? और पहली बार ओलंपिक खेलों का प्रसारण टीवी पर कब किया गया? तो आइए जानते हैं ओलंपिक से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज के वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जाने अनजाने तथ्य में। लेकिन ओलंपिक पर आधारित आज की वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज वही जो काम आए। आइए सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहली बार भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसमें नॉर्मन पिचार्ड ने भारत के लिए दो मेडल जीते थे। हालांकि नॉर्मन पिचार्ड के इन दो मेडलों पर ब्रिटेन अपना दावा करता है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के रिकॉर्ड में ये दो मेडल अभी भी भारत के नाम पर ही दर्ज हैं। 1928 से लेकर 1956 तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी के इवेंट में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते। वैसे ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा 11 मेडल हॉकी के खेल में ही जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आज़ादी के बाद पहली बार भारत के लिए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पहलवान के जाधव ने कुश्ती के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मेडल्स की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो 2012 का लंदन ओलंपिक भारत के लिए अब तक सबसे अच्छा रहा है, जिसमें भारत ने कुल 6 मेडल्स जीते, जिसमें से 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत से जुड़े तथ्यों के बाद अब नजर डालते हैं ओलंपिक खेलों में अन्य देशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल की जगह पेंटिंग प्रदान की गई थी। इसी आयोजन में पहली बार महिलाओं को भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिला। 1904 के सेंट लूसिया में आयोजित ओलंपिक खेल यूरोप से बाहर होने वाला ओलंपिक का पहला आयोजन था। इसी आयोजन में पहली बार गोल्ड सहित 3 मेडल देने की परंपरा शुरू हुई। 1908 में ओलंपिक खेल यूं तो रोम में आयोजित होने वाले थे, लेकिन माउंट विसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के कारण इन्हें लंदन में शिफ्ट करना पड़ा। 1932 में लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के देश का राष्ट्रगान बजाया गया और झंडा भी फहराया गया। 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक खेलों का पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया। 1948 में आयोजित ओलंपिक खेलों में जर्मनी और जापान को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों ही देश विश्व युद्ध में हार गए थे। ओलंपिक पर आधारित आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए विषय, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।